हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। अब ये हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है और ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। काफ़ी टाइम से कहने का मतलब है कि जब से कोरोना वायरस आपके ज़िंदगी में आया है। ओके, तो ये टर्म के बारे में जानेंगे कि ये हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इस कितने तरीके से काम करता है और इसके कुछ स्टैट्स जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये इस ये जो हर्ड इम्यूनिटी है, इसको वायरस को कंटेन करने के लिए यूज किया जाता है और कोरोना के आउटब्रेक के बाद ये बोरिस जॉनसन ने इस बात को प्रपोज किया था कि हर्ड इम्यूनिटी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो हम जानेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। बिल्कुल इसको शुद्ध और सरल भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी हाई है। तो उनमें क्या होगा, आप सबको पता है, अभी भी लोग यही बात कहते हैं कि अपने इम्यूनिटी पे ज़्यादा जोर दें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि वायरस आप पे अटैक ना कर सके। तो हर्ड इम्यूनिटी एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन होता है इन्फेक्शियस डिजीज से, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो तादाद होती हैं उनकी जो इम्यून सिस्टम होते हैं उस वायरस और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। ओके, देन हर्ड इम्यूनिटी इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज दैट अकर्स व्हेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन हैज बिकम इम्यून टू एन इन्फेक्शन। और दूसरी भाषा में समझते हैं, ये कहता ये है कि अगर कहीं ग्रुप में लोग चल रहे हैं कलेक्टिवली, ठीक है, एक बात और, हर्ड इम्यूनिटी को कम्युनिटी इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है और प्रोटेक्शन इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात मोटा मोटा आप ये समझे कि कहीं पे जा रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जिनमें अगर 100 लोग जा रहे हैं तो उनमें अगर 80-90 लोग जो हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो वो वहाँ पे जो अगर इन्फेक्शियस लोग आएंगे और उनमें जो इन्फेक्टेड नहीं है तो वो उन इन्फेक्शन को वो कंटेन कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता होती है, ठीक है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरी होती है वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी में ये होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट वो क्या करते हैं डिजीज से, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उस डिजीज से इन टाइम बिल्डअप होता है, ठीक है, डिजीज के होने से पहले, मतलब वो उससे उनके अंदर की जो एंटीबॉडीज हैं वो उनसे फाइट करते हैं। ओके, इन नेचुरल इम्यूनिटी मैनी पीपल कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज एंड इन टाइम बिल्डअप एन इम्यून, ठीक है, तो एक इन टाइम डाइट जैसे हुआ वैसे करते हैं ताकि वो उससे उसको उस वायरस को रिस्पॉन्ड कर सके, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करे। ओके, वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब बहुत लोग वैक्सीनेटेड होते हैं किसी डिजीज के अगेंस्ट और जब वो फिर ठीक होते हैं तो वो उनको वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी में रखा जाता है। जैसे किसी को मान लीजिए कोरोना हो गया, फिर वो ठीक हो गए, उनको वैक्सीन लगी और वो ठीक हुए, हालांकि अभी कोरोना की कोई वैक्सीन है नहीं, तो वो भी ये हर्ड इम्यूनिटी का पार्ट बन सकते हैं। ओके, अब जानते हैं इसके कुछ स्टैट्स को लेकर के, इसके स्टैटिक्स क्या हैं। तो बहुत सारे डिजीज में जो होती हैं उनमें ये हर्ड इम्यूनिटी तब काम करता है जब कम से कम 40% ऑफ द पीपल इन अ पॉपुलेशन बिकम इम्यून, मतलब किसी पॉपुलेशन में कहीं पे जितनी पॉपुलेशन है 100 मान के चले तो 40% अगर उसमें से जो लोग हैं वो इम्यून हैं, ठीक है, इनके अंदर इम्यूनिटी है, तो उस वायरस को कंटेन किया जा सकता है हर्ड इम्यूनिटी के, हम हर्ड इम्यूनिटी को अपना करके, ठीक है, जैसे वैक्सीनेशन दे करके एंड ऑल। तो लेकिन बहुत ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि 80-90% ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट बी इम्यून। बहुत सारे जैसे डिजीज हैं जिनका कि ट्रांसमिशन काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंट कैरेक्टर का वायरस है, तो वहाँ पे 80-90% लोग जो होंगे उनका इम्यून होना बहुत ज़रूरी है तभी वो वायरस को रोक सकते हैं। ओके, तो ये था हर्ड इम्यूनिटी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप मान लें 5 दोस्त हैं, तो आप काफ़ी कमज़ोर हैं और आपके ऊपर आपके दुश्मन ने आप पे अटैक किया जो 30 की संख्या में है या फिर 20 की संख्या में, तो आप क्या करें कि आप 10 मुस्तंडे पहलवान को ले गए लड़ने, ठीक है, उस 20 से। अब वो 10 क्या करेगा,
आपको खुद के पीछे रखेगा और वो सामने से लड़ेगा ताकि आप पे कोई अटैक ना हो। तो सेम कंडीशन ये है कि हर्ड इम्यूनिटी में जो बिल्कुल काफ़ी हाई इम्यूनिटी वाले लोग रहेंगे तो वो वायरस को वो कंटेन कर जाएंगे, और अगर उनमें 10 इन्फेक्टेड लोग हैं तो वो उन 100 के झुंड से वो बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 90 लोग अगर 80-90 लोग ऑलरेडी इम्यून है तो वो से बाहर जाएगा ही नहीं और ना ही उनको होगा। तो इस तरह से इसको कंटेन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया। दूसरी, अब मैं इस प्रेजेंटेशन की सहायता से आपको और समझाऊंगा। यहाँ पे तीन जने हैं, एक हेल्दी हैं जिनके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है, दूसरी लोग भी ये हेल्दी हैं इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, और ये पर्सन कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मतलब ये वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। अब ये हर्ड है, हर्ड मतलब पता है झुंड होता है, इसमें कुछ लोग हैं जैसे ब्लू डॉटेड दिख रहे हैं, ये ब्लू सर वाला, ये तीनों एंटीबॉडीज है लेकिन इतने लोग हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगा आप सोचिए कि क्या 3 लोग 100 लोग से युद्ध लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते बेसिकली, ठीक है, ये अवेंजर्स नहीं है। तो यहाँ पे वायरस क्या होगा, वो इजिली स्प्रेड कर जाएगा। लेकिन ये इस हर्ड को देखें, यहाँ पे मोस्टली लगभग 80% ये ब्लू डॉटेड एंटीबॉडीज वाले हैं, तो यहाँ पे वायरस को कंटेन कर लीजिएगा, मतलब ये सब जो है यहाँ से वायरस बाहर नहीं जाएगा, आउट स्प्रेड इसका बाहर में स्प्रेड नहीं होगा। तो मैं यही समझाना चाहता था, एंड आई होप आपको समझ में आएगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग UPSC ज्ञान। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।